तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों, इसको हम पूरा सॉल्यूशन सहित देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को किस प्रकार से कर लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि आप सबको पूरा एक क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों, कक्षा 11 का आपका जो भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार से आप सबसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप लोगों को भूगोल विषय के लिए कितना पढ़ना होगा कक्षा 11वीं के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को ताकि आप सबको पूरा का पूरा आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 70 अंकों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को किस प्रकार से कर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिलेगा। पहले नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ये हो जाएगा और दूसरे नंबर की बात की जाए दोस्तों तो ये आपका बांग्लादेश आ जाएगा और तीसरे नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसका ज्वालामुखी राइट आंसर होगा और पाँचवें नंबर चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें से दोस्तों आपको 120 लिख लेना है और दोस्तों पाँचवें नंबर के क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा नर्मदा। इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले नंबर पर दोस्तों आपको लिख लेना है, देखिएगा क्या पूछा गया, पृथ्वी पर जीवन लगभग वर्ष पहले संभव हुआ। तो यहाँ से आपको लिख लेना है 4 अरब वर्ष पहले, 4 अरब वर्ष पहले दोस्तों ये संभव हुआ था। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना दोस्तों भूगोल, भूगोल विषय दोस्तों कालिक संश्लेषण करता है, शैली प्राथमिक सेल है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिखना है आग्नेय। जैसे दोस्तों आग्नेय जो सेल होते हैं ये प्राथमिक सेल होते हैं, यहाँ से आप लोग लिख लें चंदन के वन तरह के वन के उदाहरण है। तो देखिएगा दोस्तों, चंदन के जो वन होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वनों के उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय वनों के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे भूकंपी तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना एल तरंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जोड़ी मिलान करना है। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान सी से हो जाएगा और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका डी से हो जाएगा और तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा ई से और इसके अलावा चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा ए से और इसके अलावा पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी का मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिएगा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको लिख लेना दोस्तों 23 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 23 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और नोट भी कर लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, स्थल रूप विकास किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है तरुणावस्था में। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है उत्तराखंड में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखिएगा दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लोकटाक झील है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना मणिपुर। कहाँ पर है दोस्तों, मणिपुर में दोस्तों ये झील है। और उसी के अलावा आगे के क्वेश्चन देख सकते हो, सत्य असत्य में दोस्तों पहला आपका असत्य होगा, दूसरे नंबर का आपका सत्य होगा, ये भी आपका सत्य होगा,
और ये आपका असत्य हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका सत्य होगा और ये आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। आगे के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और नोट कर लें। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ना दोस्तों आप सबका इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसकी तैयारी को कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।